शाहजहांपुर में निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां बहुत ही तेज हो चुकी हैं। आज शाहजहांपुर में भाजपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई है। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यहां पर हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना उत्साह है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में। हम बात करेंगे यहाँ पर विश्व महिला मोर्चा की कार्यकर्ता से। ये बताइए कितना बड़ा उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है, आप देख ही रहे होंगे सारे हमारे युवाओं में कितना ज्यादा उत्साह है। कितना है, क्या नतीजे आने वाले हैं? हमारे फेवर नहीं आएंगे, भाजपा के मेयर और सारे प्रत्याशी हमारे जीतेंगे। भाजपा के मेयर को जिताने की बात कर रहे हैं और भी लोग उनसे बात करेंगे। ये बताइए साइकिल का क्या होगा? साइकिल पंचर हो जाएगी। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं शाहजहांपुर, कितना बड़ा उत्साह है? बहुत बड़ा उत्साह है। और बीजेपी की मेयर बनने जा रहा है अर्चना वर्मा। कौन जीत रहा है ये बताइए? अर्चना वर्मा के समर्थन में ये यहाँ पर बाइक रैली निकाली जा रही। खासा उत्साह है लोगों में यहाँ पर और भी लोग हमसे बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि खासा उत्साह यहाँ पर। आप बताइए कौन जीत रहा है यहाँ से? अर्चना वर्मा की ही यहाँ पर सभी समर्थन में यहाँ पर जो है यहाँ पर ये पूरा बाइक रैली निकाली गई। आप बताइए साइकिल का क्या होगा? देखिए साइकिल तो ऐसी पंचर हुई है, इसका ट्यूब ही पूरा बेकार हो गया है। इसका ट्यूब पूरा बेकार हो जाए तो वो रबड़ के कैन से चली नहीं सकती है। साइकिल ने जो काम किए अब तक तो सबने देखा, जनता ने पूरा मन बना लिया। केंद्र में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी और सारे वार्ड प्रत्याशी भाजपा के जीतेंगे। बंपर वोटिंग मुख्यमंत्री का ला रहे हैं, कितना बड़ा उत्साह उसको लेकर कार्यक्रम को लेकर। देखिए मुख्यमंत्री जी हमारी पावर हैं, उनके कार्य को पूरा देश देख रहा है। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता लेकिन योगी जी उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ हैं और हमेशा रहेंगे। खासा उत्साह है यहाँ पर भाजपा के जो समर्थक हैं यहाँ पर अर्चना वर्मा मेयर पद की प्रत्याशी, उनके समर्थन में यहाँ पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इस बाइक रैली में शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर इस बाइक रैली को रवाना किया। हमारे साथ राजेश वर्मा जी, उनसे बात करेंगे कितनी बड़ी जीत यहाँ पर होने जा रही है। 50 से 50 हज़ार वोटों से भारतीय जनता पार्टी श्रीमती अर्चना वर्मा 11 मई को होने वाले मतदान में भारी बहुमत से जीतेगी, ये तय हो गया है। कल मुख्यमंत्री शाहजहांपुर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम इससे पहले कल आए थे, तो कितना बड़ा उत्साह है भाजपा कार्यकर्ताओं में अगर बात की जाए? भारतीय जनता पार्टी में भारी जोश खरोश है और उत्साह है और लोग जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आतुर है। और यहाँ पर कल भारी भीड़ को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी संबोधित करेंगे और ये चुनाव ऐतिहासिक होगा। कितना बड़ा जीत का अंतर, कितना बड़ा होगा? जीत तो आप रहे लगातार दावे कर रहे हैं, जीत का अंतर कम से कम 50 हज़ार वोट से ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। 50 हज़ार वोटों से अर्चना वर्मा की जीत की बात यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इस बाइक रैली में शामिल हुए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि कैब यहाँ पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं बात की जाए भाजपा इस पूरे चुनाव को लेकर जो है किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरत रही है, बल्कि पूरी सजगता के साथ पूरे जोर शोर और जोशो खरोश के साथ इस चुनाव को भाजपा लड़ रही है। यहाँ पर पहले कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे जिन्होंने प्रभावी मतदाता सम्मेलन में हिस्सा लिया। उसके बाद अब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित करेंगे, क्योंकि भाजपा यहाँ पर शाहजहांपुर के होने वाले पहले मेयर को लेकर बहुत ही संजीदा है और वो अपने प्रत्याशी को यहाँ पर जिताना चाह रही है। शाहजहांपुर से सुमित सिंह और नितेश गंगवार के साथ सिमरनजीत सिंह।